एक आम धारणा है कि गूगल सब कुछ जानता है, लेकिन क्या आप भी गूगल के बारे में सब कुछ जानते हैं? यदि नहीं तो इस पोस्ट में बताए गए गूगल के बारे में तथ्यों को पढ़ने के बाद आप गूगल के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ओगल की शुरुआत सन 1996 में हुई, यानी कि अब गूगल लगभग 23 वर्ष का हो गया है। लेकिन गूगल की स्थापना 1998 में की गई और गूगल अपना जन्मदिन 27 सितंबर को मनाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सर्च इंजन गूगल को लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने बनाया था। गूगल के आने से पहले याहू सर्च इंजन का उपयोग होता था। गूगल के आने के कुछ समय पश्चात ही गूगल ने भारी लोकप्रियता हासिल कर ली और वो याहू को पीछे छोड़कर एक नंबर पर आ गया। गूगल असल में गूगल की गलत स्पेलिंग है। गूगल एक बहुत बड़ी संख्या है जिसमें 100 शून्य लगते हैं। गूगल नाम का डोमेन पहले ही बुक हो चुका था, इसलिए डोमेन रजिस्टर करते समय इसे गूगल नाम देना पड़ा। 1998 में पहली बार गूगल डूडल गूगल होम पेज पर दिखाई दिया। गूगल की एक बहुत बड़ी टीम गूगल डूडल का काम देखती है, जो गूगल डूडल के वीडियो और ग्राफिक्स बनाती है। गूगल किसी बड़े दिन या किसी खास व्यक्ति की जयंती पर गूगल डूडल को अपने होम पेज पर लगाता है। उदाहरण के लिए 2 अक्टूबर को गूगल लोगों की जगह गांधी जी का फोटो लगाया जाता है। आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करके आप गूगल के अब तक के सारे लोगों देख सकते हैं। गूगल ने अप्रैल 2004 में अपनी ईमेल सर्विस जीमेल शुरू की थी। तेजी से ईमेल भेजने की वजह से यह सर्विस कुछ ही समय में पॉपुलर हो गई। जीमेल का आइडिया राजन सेठ ने दिया था जब वह गूगल में इंटरव्यू के लिए गए थे। गूगल ने एंड्रॉयड कंपनी को 2005 में खरीदा था। आज एंड्रॉयड फोन की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि लगभग 80% स्मार्टफोन एंड्रॉयड सिस्टम ही यूज करते हैं। मतलब हर 10 फोन में से 9 फोन एंड्रॉयड के होते हैं। 2005 में ही गूगल ने गूगल मैप और गूगल अर्थ ऐप की शुरुआत की थी। गूगल ने 2006 में यूट्यूब को 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। अब यूट्यूब पर हर महीने लगभग 6 अरब घंटों के वीडियो देखे जाते हैं। गूगल कंपनी विज्ञापन से हर साल 20 मिलियन डॉलर कमाती है, जो CBS, CBS, NBC, NBC और फॉक्स जैसी दिग्गज कंपनियों की कमाई से भी ज्यादा है। साल 2014 में गूगल की कमाई का 89% भाग विज्ञापन से ही आया था। जब आप गूगल में एस्क क्यूब सर्च करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा दाईं ओर झुक जाता है। गूगल का सर्च इंजन 100 मिलियन गीगाबाइट का है। इतना डाटा सेव करने के लिए हमें 1 TB की 1 लाख ड्राइवर की जरूरत होगी। गूगल ने अपनी पहली ट्वीट कंप्यूटर की भाषा बाइनरी में की थी, जिसमें 0 और 1 का इस्तेमाल किया गया था। गूगल ने जो पहले ट्वीट की थी वो ट्वीट यह थी, I'm 0111 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
लगभग 130,900 रुपए कमाता है। अगर आपको कोई चीज सर्च करना हो तो लोग कहते हैं कि गूगल पर सर्च करो ना कि इस नेट पर, मतलब अब गूगल इंटरनेट का पर्याय बन चुका है। 2010 के बाद गूगल ने प्रति सप्ताह औसतन कम से कम एक कंपनी को खरीदा है। शून्य में गूगल ने एडवर्ड की शुरुआत की जिस पर विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन चला कर सकते हैं। गूगल के हेड ऑफिस में 200 बकरियों को घास काटने के लिए रखा गया है। घास काटने के लिए गूगल घास काटने वाली मशीन नहीं रखता क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज से दफ्तर के लोगों को परेशानी होती है। गूगल का होम पेज इतना खाली इसलिए है क्योंकि सर्गी ब्रिन और लैरी पेज को HTML का ज्ञान नहीं था जिससे वह गूगल होम पेज को भव्य बना सकते। गूगल ने अपने स्ट्रीट व्यू मैप के लिए 80,46,000 किमी सड़क के बराबर फोटोग्राफ लिए हैं। अच्छे लगे हो तो कृपया इसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल अपने इनबॉक्स में पाने के लिए इस ब्लॉग को आज ही सब्सक्राइब करें।